कोटा हाईकोर्ट के रोक के बाद भी शहर में रेती का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। खनन माफिया इसकी सप्लाई बहुमंजिला इमारतों के निर्माण के लिए कर रहे हैं। इस अवैध काम में खनन विभाग के कुछ अधिकारियों और माफियाओं के भी मिले होने की आशंका है, क्योंकि खनन अधिकारियों के कुछ दूरी मौजूद रहने के बाद भी खनन माफिया बिना किसी भय के रेती का कारोबार कर रहे हैं। इस तरह देखा जाए तो खनन माफिया और अधिकारियों की मिलीभगत से रेती का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। कोटा शहर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अवैध बजरी परिवहन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, ये दृश्य जो आप देख रहे हैं ये है कोटा के हैंगिंग ब्रिज से छलावड़ जाने वाले रोड के बीच का है, जहाँ पर अवैध बजरी से भरे हुए 5 ट्रक्स बेधड़क होकर शहर में घुस जा रहे हैं। और इसके अलावा बात की जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन अवैध ट्रकों को सुरक्षा देने के लिए आगे और पीछे दोनों साइड में बड़ी बड़ी गाड़ियों में सवार रहते हैं लोग, और किसी तरह से कोई रोक लगाता है तो उसके साथ मारपीट करने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। जिस वक्त हमारी टीम इस दृश्य को कैद कर रही थी, उस वक्त भी इन्होंने हमारे पर हमला करने की या हमारा पीछा करने की कोशिश की थी। सहयोगी निशांत के साथ संजय दत्ता, न्यूज़ इंडिया को।